कोरिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्याम धावड़े ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका का आम निर्वाचन 2021 के लिए समय अनुसूची जारी कर दी गई, जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन, स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 27 नवंबर को प्रातः सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 27 नवंबर 2021 प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 दिसंबर प्रातः 10 बजे से होगी। अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 6 दिसंबर को अभ्यर्थी वापसी के बाद किया जाएगा। मतदान 20 दिसंबर एवं मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर 2021 को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रातः 9 बजे की जाएगी। कलेक्टर कोरिया एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम धावड़े ने ली सभी राजनीतिक दलों की बैठक। बैठक में पहुंचे सभी राजनीतिक दलों ने नगर निकाय के बायकॉट की बात कहकर अपनी मंशा जताई है। कुछ ही देर में बैठक खत्म हो गई। दोपहर 3 बजे निर्धारित थी। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने बैठक की। कोरिया के साथ हुए अन्याय के खिलाफ सभी दल हुए एकजुट। नहीं लड़ेंगे कोई भी दल चुनाव। कोरिया के विभाजन को लेकर किया गया है फैसला। डॉक्यूमेंट दिए हैं और चुपचाप कलेक्टर साहब की बातों को सुने हैं और चले आए हैं। और बायकॉट का कुछ बात, बायकॉट की जानकारी और लोगों ने बता दिया है। अच्छा, कि मेरी तरफ से नहीं, मगर हमारे लोगों ने जानकारी दिया है जो बैठे थे, जो जन भावना कोरिया की है, बचाव मंच की, उनकी जानकारी दे जी। कलेक्टर साहब ने चुनाव आचार संहिता की जानकारी देने के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया था, तो हम लोगों ने भी अपनी मंशा उनके सामने रखी कि पूरे राजनीतिक दल और सभी पार्टियाँ हम सब मिलकर चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिए हैं। उस चीज़ को हमने उनसे अवगत करा दिया।